हैं? क्या है ये सब? किसे लगाया है यहाँ? उतारो इसे! उतारो इसे! बेटा, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। किसने लगाया है यहाँ पर? हटाइए इसे यहाँ से! उतारिए इसे यहाँ से! शांत हो जाओ बेटा। देखो, तुम पर नजर लगी है ना, इसीलिए। मुझे नहीं पसंद ये सब। मैं जानती हूँ कि आजकल के लोग ऐसे सब चीजों में नहीं मानते, लेकिन बेटा मुझे नहीं पसंद है ये सब, और मैं नहीं मानती इन सब बातों को, और ना ही ऐसी कोई चीज अपने सामने देखना पसंद करती हूँ। बात तुम्हारी पसंद ना पसंद की नहीं है, और ये भी तो सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा सोच सकती हूँ। मैंने आपसे कहा इससे यहाँ से उतार दीजिए तो मतलब उतार दीजिए। अगर आपने इसे इसी वक्त यहाँ से नहीं उतारा तो बहुत बुरा होगा मम्मी जी। बिंदिया, अगर इससे इतनी ही तकलीफ है तुम्हें तो मैं इसे उतार देती हूँ, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर घर में तमाशा नहीं होना चाहिए। और बड़ों से ऐसे बात करते हैं? चलो मेरे साथ, चलो। बाप रे, तेवर तो देखो बहुरानी के, ऐसे लग रहा था जैसे अभी कच्चा खा जाएगी तुम्हें। और तुम भावना, तुम कैसे डर गई थी उसे देखकर? नहीं भाभी, वो तो अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि धीरे धीरे वो लड़की तुम पर हावी होती जा रही है। इसीलिए मैं तुमसे कहती थी भावना कि घर की बहू जब बाहर जाकर काम करेगी तो यही सब होगा। अब तुम देखती जाओ कैसे वो तुम्हारा और तुम्हारे लाडले बेटे का जीना हराम करती है। दीदी, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूं। वाह भाई, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। पायल, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अपनी 3 महीने की पॉकेट मनी से मैं आपकी गिफ्ट के लिए पैसे जोड़ रही थी। कल ऐसे चल, तेरी आंखें बंद कर। मैं बंद कर? ठीक है ठीक है, खोलना मत। ओके मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन के लिए है। आपने भी अपनी पॉकेट मनी से? हाँ, तेरी बड़ी बहन ने पॉकेट मनी से। I love you, दीदी। क्यों रूठ कर चली गई तुम मुझसे? कितने अच्छे पल गुजारे थे हम दोनों ने एक साथ। तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे मैं खुश होना ही भूल चुकी हूँ। वो दिन वापस आ जाती थी। अब रोने और पछताने से क्या फायदा पायल? जब मेरी काजल जिंदा थी तब तुमने उसे खून के आंसू रुलाए थे और मैं कुछ नहीं कर पाई। कहते हैं
कि अगर कोई दुखी होकर मरता है ना तो उसकी हाय जरूर लगती है। बुआ, भला अपनी ही बहन की हाय लग सकती है कि? हाँ, लगती है। जब एक बहन अपनी दूसरी बहन को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दे ना, तब उसकी हाय जरूर लगती है। मेरी काजल की हाय तुम पर तुम्हें जरूर लगेगी, तुम देख लेना। आप ऐसा क्यों कह रही हो बुआ? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने खुद उस दिन देखा है कि एक बात याद रखिएगा बुआ, अगर आपने किसी के सामने भी ये राज खोलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी अपनी हैं। आपका नाम भी काजल के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब इन बातों से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया ना। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बद्दुआ बहुत बुरी होती है पायल, अगर किसी की बद्दुआ लगती है ना तो उस आदमी के साथ बहुत बुरा होता है, तुम्हारे साथ भी होगा, बहुत बुरा होगा। मुझे इस बात का दुख है जानकी कि शादी का सबसे बड़ा वादा हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना मैं निभा नहीं पाया। आई मिस यू महेश, तुम एक बहुत अच्छे पति हो, लेकिन अफसोस मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। पता नहीं क्यों क्यों हमारे नसीब में फासले लिखे। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि पाल घर छोड़कर चली जाए। न जाने इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। ये प्रॉब्लम जल्दी से सुलझ जाए। मैं जानती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी पता है महेश, इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं दौड़कर तुम्हारे पास चली आऊं। पता नहीं मैं उसे कब मिलूंगा, उसे कब देख पाऊंगा। भगवान पे भरोसा रखो महेश, सब ठीक हो जाएगा। और मेरा मन कहता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, और वो भी बहुत ही जल्द। प्रभुन्द्री का मेली मुखमाही जल्दी आदि का चंद नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुगत। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए ना, बात बहुत जरूरी है। आसे रोगरे से पीड़ा जबर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? तुम देख रहे हो कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं, फिर भी बीच में बोले जा रही। हे भगवान, आजकल ये क्या हो रहा है? जब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठता हूं कोई ना कोई विघ्न आ जाता है और पाठ अधूरा रह जाता है। रक्षा करना प्रभु, क्षमा कर। बोलो क्या है अब? देखिए जी, गजब हो गया। आपने मुझे जो नींबू मिर्ची अभिमंत्रित करके दिए हुए थे और कहा था कि बिंदिया के कमरे के बाहर लगा देना। हाँ तो? जैसे ही बिंदिया ने उसे देखा उसने हंगामा खड़ा कर दिया, उसे उतरवा कर ही मानी वो। पता नहीं बिंदिया को क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मुझे तो उसके पास जाने से भी डर लगता है। रोहित, भगवान, रोहित के साथ पता नहीं वो क्या सुलूक करेगी। मेरे बेटे की रक्षा करना, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बहू को, कितने प्यार
प्यारी बहू थी मैं, और आपको पता है आज जब मैंने बिंदिया से बात की तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो हमारे बिंदिया नहीं कोई और है। ये शुभ संकेत नहीं है भावना, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अगर मैं सोच रहा हूं कहीं वो सच है तो नहीं, ईश्वर रक्षा करना, लेकिन पता तो करना ही होगा कि हकीकत क्या है। बापूजी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बापूजी, जब से घर में काजल ने आत्महत्या की है तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि घर में कुछ गलत ना हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो हरी? माँ, मैं कहना नहीं करना चाहता हूँ, ग्रह शांति का हवन और पूजा करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है हरी, ईश्वर का नाम जब भी जिस भी बहाने से निकले शुभ होता है। एक समस्या है बापूजी, मैं ये हवन जानकी, पायल और बिंदिया के हाथों करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हवन में तीनों बहुरानियाँ बैठे। क्यों हरी, तीनों बहुरानियाँ ही क्यों बेटा? माँ, आप ही तो कहा करती है ना कि बहुरानियों के हाथों से जब पूजा की जाती है तो घर में बरकत आती है। हाँ, लेकिन हरी बेटा, तुम तो जानते हो ना कि पायल यहाँ पर नहीं है, और जिस हालत में वो यहाँ से गई है हो सकता है कि वो दादी। माँ, आप पायल की बिल्कुल चिंता मत करिए, उससे लाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं उसे लेने जाऊंगी। सिर्फ तुम अकेली नहीं जाओगी बिंदिया, हम दोनों साथ जाएंगे। फिर मैडम भाभी, लेकिन आपकी बहू जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं बन रही है? चापली का? मुझे मालूम है, अगर मैं उसे लेने के लिए जाऊंगी तो वो बिल्कुल इनकार नहीं करेगी, मुझसे इतना प्यार जो करती है ना? बस कैसे भी ये पूजा सही हो जाए, इस समय घर को कोई बचा सकता है तो ये ग्रह शांति का हवन और पूजा। माँ, हमारी मदद करना कि हमारी पूजा निर्विघ्न पूरी हो। ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है समीर, कि सच क्या है। महेश, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पायल किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकती है, और इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि बिंदिया। तू गलत समझ रहा है, मैं ये कह रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बिंदिया ने जो कहा वो भी सच है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पायल खाने में मसाले मिला रही हो और बिंदिया को गलतफहमी हो गई हो। मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने पायल को घर जाने से रोका क्यों नहीं। आप तीनों के लिए एक खुशखबरी है, हम घर में पूजा कर रहे हैं और हवन के लिए पायल को लेने मैं और बिंदिया अभी जा रहे हैं। हरी चाचा का मानना है कि अगर इस हवन में हम तीनों बहुरानियां मिलकर बैठेंगी फिर सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। बस एक बार ये हवन हो जाए
फिर धीरे धीरे सारी मुश्किलें टल जाएंगी। महेश भैया, मैं कैसे भी करके उसे मना कर लेकर आऊंगी, और मुझे पता है कि वो मेरी बात बिल्कुल नहीं डालेगी। हम चलते हैं। हम सब भी यही चाहते हैं कि इस घर की खुशियां जल्द से जल्द वापस आ जाए। जल्द से जल्द सही वक्त पर आए हो। मैंने अभी अभी पूजा की, तुम भी प्रसाद लो। हमारे यहाँ पूजा है, और पायल के शादी की बात की पहली पूजा है, तो हम लोग चाहते हैं हम तीनों बहुरानियाँ मिलकर इस पूजा में शामिल हों, इसलिए हम पायल को ले जाने आए हैं। लेकिन तुम तो जानती हो बिंदिया ने पायल पर गलत इल्जाम लगाया है कि उसने खाने में जहर मिलाया। आप क्या कह रही हैं? मैंने कब इल्जाम लगाया? जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन घर की खुशियों के लिए कुछ बातों को हमें भूलना होगा। लेकिन बेटा, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। काजल को अचानक क्या हो गया? ये कहीं बिंदिया तो नहीं? आंटी जी, घर के सब बड़े यही चाहते हैं कि इस साल की पूजा में पायल भी हमारे साथ बैठे। पायल, तुम प्लीज हमारे साथ चलो ना, तुम्हारे बिना घर बहुत सुना सुना लगता है, चलो प्लीज। देखो, मैं तुम दोनों को पायल को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। देखो भाई, मेरी बात सुन, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है बेटा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, पायल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर आप सब काफी परेशान हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, हम पूजा भी इसीलिए रख रहे हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, और हम तीनों बहुरानियां पहले जैसे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह पाए। कुंजवाला आंटी, अब क्या नई चाल चलने वाली है ये काजल? प्लीज पायल को हमारे साथ जाने दीजिए ना, आप लोगों की परमिशन के बिना वो हमारे साथ जा नहीं सकती। जानकी, बिंदिया, मैं तुम दोनों के साथ जरूर चलूंगी। यस बुआ, प्लीज बुरा मत मानिए,
बात इस घर की एक तौर भलाई की है, और घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस पूजा में शामिल हूं। पूजा खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। कुछ भला, अगर पायल जाना चाहती है तो जाने दो, और वैसे भी भगवान की पूजा है, मना नहीं करते। जाओ बेटा। चलो पायल, चलो जानकी। काश तुम समझ पाती पायल कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें रोक रही थी, और तुम भी ना। और पता नहीं तुम्हारे वहां जाने के बाद क्या होगा, कहीं कहीं वो सच ना हो जाए जो जो काजल चाहती है। बस आप पायल को यहां मत रहने दीजिए, वहां तो मैं पायल को रहने नहीं दूंगी, और यहां पर आप मेरा काम संभालिएगा। काजल के दुश्मनों को रहने के लिए